खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ओमिक्रॉन वन सोसाइटी में रेव पार्टी करते वक्त 8 विदेशी और एक भारतीय मूल के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी ओमिक्रॉन सोसाइटी में रेव पार्टी चल रही है। आनन फानन में दादरी पुलिस ने छापा मारा और चार नाइजीरियन महिलाओं समेत चार नाइजीरियन पुरुष और एक भारतीय मूल के रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फ्लैट से 28 बोतल शराब, 100 से ज्यादा बियर से भरे बोतल, 250 ग्राम के आसपास गांजा बरामद किया है। इंफॉर्मेशन मिली थी कि थाना दादरी अंतर्गत ओमिक्रॉन वन में कुछ लोग पोस्टर लगा करके एक रिहायशी मकान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। इस सूचना पर एसीपी थर्ड, एसएचओ दादरी, महिला पुलिस वहां पर जाकर उन लोगों ने चेक किया तो वहां पर अफ्रीकी मूल के चार पुरुष और चार महिलाएं मिली, एक भारतीय मूल का पुरुष मिला। वहां पर जब कमरों को चेक किया गया तो वहां पर 171 बोतल केन, बियर की केन, 28 बोतल के करीब शराब और लगभग 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इनसे इसके विषय में पूछा गया तो इन लोगों ने अवैध रूप से ये पार्टी किया जाना बताया। वहां पे पार्टी का पूरा माहौल भी बना हुआ था। इनको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इनके पासपोर्ट और वीजा को भी चेक किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।